हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4। ये पार्ट सेकंड है वीडियो का, और ये जो पार्ट सेकंड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज से एक बोर्ड में क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो ये वाले क्वेश्चन से प्रूफ वाले बेसिकली 10 क्वेश्चन है, और मैं चाहूँगा आप चाहे इसे रट लें, रटना तो नहीं, थोड़ा समझ कर फिर आपका अपना थोड़ा सा अच्छी तरह से करके प्रैक्टिस करके आपको 10 क्वेश्चन में से एक तो आना भाई। प्लीज़ आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंस समझ लीजिए सारे टॉपिक को, और जब आप एक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो क्या इनमें कोई ट्रिक है, तो ट्रिक तो ये प्रैक्टिस कर सकते हो, और दूसरा ये मैं आपको थोड़ा बहुत बताता जाऊँगा, आप उस तरह से फॉलो कर लेना, आपको वो भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हमें प्रूव करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा है कि नहीं। तो भैया ये देखो, जैसे कि यहाँ देखा है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, प्रूफ हमें इसमें करना है। तो फिर इन दोनों वैल्यू का कोई तो मीन तो है नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या पहले लेना है, जैसे कि इसको दे रखा है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि पहले आप वीडियो को जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे, तो पहले अंदर वाले वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो ये 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्या ले सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप देखिए यह प्रूफ तो हमें करना ही है, तो ये देखिए इसके एलिशन क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा, वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, बिल्कुल। अब आप इसे जो वैल्यू आप इसे खोल लीजिए और बेटर कर लीजिए इसे, यस प्लीज़। अब देखिए सॉरी, इसमें थोड़ा ये रह गया, अब इसको अलग रह गया। ठीक है, अब इस ठीक है। अब देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए, मतलब ऊपर वाली वैल्यू तो मिल गई, पर नीचे वाली वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो देखो हम साइन की वैल्यू चेंज करेंगे, देखिए हम साइन वैल्यू चेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए जब आप इस वैल्यू को लिखोगे तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या देगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए मैंने सॉरी ये वैल्यू क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब इसमें नहीं है। तो हम क्या ले सकते हैं, इस जो पार्ट है देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम इसे दो बार ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में, इसी का ले सकते हैं। देखो हम इसे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, 1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर फोल्ड लगा दूँ, फायदा कोई यूज नहीं है, पर यहाँ स्क्वायर आप स्क्वायर लगाइए। तो ये हमें जब मिलता है इसे हम ले सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए एक वैल्यू से ये वैल्यू कट गई, आपको क्या मिला, ये वैल्यू मिल गई। देखो सामने वाली ये तो प्रूव करना था 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो आप फर्दर यहाँ लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, आपका प्रूफ हो गया। तो प्रूफ आपको कुछ इस तरह से करना है, यस। अब देखिए सेकेंड पार्ट है, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और ऊपर जैसे कि उल्टा देखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, हमें प्रूव करना है 2 से के हमें लाना है साइड में। तो देखो जैसे क्वेश्चन देखने से पहले हम देख लेते हैं, देखो इसका पॉइंट यहाँ है, इसका पॉइंट यहाँ है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, शायद हमें कुछ फायदा मिल जाए। कुछ क्वेश्चन इसी तरह सोचे जाते हैं, देखो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, अब इसका एलसीएम लोगे तो भैया देखो इससे वैल्यू कट जाएगी, बचा कॉस ए, कॉस ए का इंटू कर दो तो कॉस स्क्वायर ए मिल गया, प्लस इससे कॉस से कॉस कट जाएगा, वैल्यू मिलेगी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि इससे ठीक है। अब आप इसे खोलिए, देखिए ये कॉस स्क्वायर ए मिल गया, प्लस इसे खोलना 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन, वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब थोड़ा आप यहाँ देखिए हमको ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो देखो ये जो वैल्यू है साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस साइन स्क्वायर ए, वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिल जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन, देखो मैंने क्या किया, ये वैल्यू हमको दोनों 1 देगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, मैंने वैल्यू 1 कर दी, 1 प्लस ऑलरेडी है प्लस 2 साइन ए, ठीक है। और आप यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए,
अब इसमें एलसीएम आएगा तो अब थोड़ा हम पास आने वाले हैं, तो देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या है 2 आए ऊपर तो 1 प्लस साइन ए ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए इससे कट जाएगा, बचा क्या, बचा 2 अपॉन कॉस ए बचा, देखिए कॉस ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 सेक ए, वही हमें प्रूव करना था। ठीक है, कुछ इस अगर आपको इस तरह से वैल्यू दे रखी है अपोजिट में तो आप पहले उसका एलसीएम लीजिएगा, फिर थोड़ा सोचिएगा हाँ इस तरह से खुल जाएगा, मतलब प्रैक्टिस में आप करते जाओगे ना आपको खुद समझ में आएगा कि 10 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, आप कर भी सकते हो। ठीक है, यस, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा, बिल्कुल। अब ये 1 इक्वल में प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। अब तो भैया इसमें हिंट दे रखी है, सबसे बड़ी ये बात है इसमें हिंट क्यों दे रखी है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा टर्म हमें इन्हें चेंज करना है। देखिए सीबीएसई जब भी मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा जैसे इसमें हिंट दे रखी है तो उनका आप थोड़ा इंपॉर्टेंट मानी करिए। ठीक है, अब ये जैसे अब हिंट दे रखी है कि हमें साइन थीटा कॉस थीटा टर्म इसमें चेंज करते रहिए आप, और जो क्वेश्चन नंबर वैसे ये लेंथी है तो जैसे हिंट दे रखी है तो समझ लीजिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो लिए इसे चेंज करते हैं। टेन थीटा हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ये चेंज हो गया। अब 1 माइनस कॉस थीटा का चेंज करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस इसको चेंज करिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ठीक है, अब यहाँ चेंज करिए, देखो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको देखिए ये वैल्यू मिल जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, मैंने से इसका एलसीएम लिया, अब ये प्लस का साइन लगाइए, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और वैल्यू क्या आएगी इसमें एलसीएम लोगे तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा। अब आप ध्यान रखिए जो हम इंटू करते हैं इसका इंटू करते हैं और इसका इंटू करते हैं, मान लो ए बी सी और डी टर्म रेखा हो तो हम ए डी करते हैं और बी सी का इंटू करते हैं, तो वो ये ए डी और टर्म ऊपर जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगी इसका इंटू इसमें होगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन ये वैल्यू इसमें जाएगी तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू कॉस थीटा के अंदर ये वैल्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब प्लस का साइन लाएंगे, प्लस के साइन में आपको थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी उसे हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है आपके लिए, अब देखिए प्लस का साइन लगाइए वैल्यू क्या होगी, ये कॉस थीटा होगी मतलब कॉस थीटा अपॉन वैल्यू क्या है इधर आएगी मतलब कि साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है तो इसमें आप करिए। अब आप यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान लगाएंगे, देखो हमें एलसीएम लेना है तो लो मैंने एलसीएम के लिए एक लाइन खींच दी। अब एलसीएम किस तरह से आएगा देखिए, ब्रैकेट क्या सेम है साइन, देखो इसकी तो हमें पता नहीं, हम ब्रैकेट चेंज करते हैं, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट तो सेम है पर माइनस साइन चेंज मतलब कि हमें डिफिकल्ट करेगा। देखिए जब हम इसे आप थोड़ा और समझाने के लिए लेंथ के लिए आप इसे दोबारा लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये, देखिए ये जो साइन है मैं यहाँ ले रहा हूँ प्लस की जगह, अब देखिए ये साइन ये स्क्वायर है सॉरी स्क्वायर थीटा अपॉन ये देखिए अंदर वाला साइन अब बदल जाएगा, अंदर जो मैंने साइन माइनस ले लिया कॉमन ले लिया इसमें से तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और अब लिख सकते हैं इसका एलसीएम, अब लीजिए एलसीएम क्या आएगा साइन कॉस थीटा लिखिए साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट क्या सेम ब्रैकेट है ना तो ब्रैकेट लगाइए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू कितनी कट जाएगी इसमें से ये कट जाएगा बचेगा साइन थीटा और साइन स्क्वायर है तो वैल्यू क्या होगी साइन क्यू थीटा माइनस, अब देखिए ये वैल्यू पूरी कट जाएगी इसमें से मतलब इसके साथ ये कट जाएगा पूरा बचेगी कॉस और कॉस स्क्वायर है तो कॉस क्यू थीटा। अब देखिए यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू बैठ रहा है मतलब इसे आप ए मान लीजिए माइनस ए क्यू और इसे बी क्यू मान लीजिए तो वैल्यू देखो हमें क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू वैल्यू होती है कि ए माइनस बी ए ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, वही आप यहाँ लगाइए, यस, तो आप इसी फॉर्मूले को लगाइए ये ए माइनस बी यही तो टर्म है, तो लिखिए आप कि साइन
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए ब्रैकेट में, अब यहाँ दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस में जाए ए बी, मतलब कि प्लस लाओगे ए बी साइन थीटा और डॉट कॉस थीटा, ये आपको ब्रैकेट हो गया। अब ब्रैकेट में चल क्या रही थी, ये भी चल रही थी, यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा, अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ध्यान देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें बन देता है, तो लिखिए देखो साइन थीटा कॉस थीटा से ये वाली कट जाएगी, कट गया पूरा टर्म, ये वैल्यू क्या बची अंदर वाली, देखो ये वैल्यू कट गई ना दोनों, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपका वन प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा बच गया, और नीचे क्या बचेगा आपका साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो ये देखेंगे ये साइन प्लस का है तो हमें इंडिविजुअल ले सकते थे, वन अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, प्लस साइन लगाइए बीच में साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। देखिए जब ऊपर ये जाएगा देखिए साइन का हो जाएगा कॉस, कोसेक हो जाएगा कोसेक थीटा, और कॉस का हो जाएगा डॉट सेक थीटा, सेक थीटा, और ये क्या वैल्यू कट जाएगी प्लस वन आ गया, वही मैं पूर्ण करना वन प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, वन प्लस सेक थीटा कॉस थीटा। ये क्वेश्चन लेंदी था पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यस ये देखिए क्वेश्चन नंबर पार्ट फोर है इसका, कि वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए वन माइनस कॉस ए। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, ये इसमें देखा है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, आप सिंपली सॉल्व करिए, जैसे इसमें देखा है आप इसे इम्पोर्टेंट भी डाल सकते हैं, जैसे इसे क्वेश्चन करने के दो मेथड है, आप कैसे भी कर सकते हैं। पहला मेथड मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप दोनों को सॉल्व करिए अलग अलग। देखिए ये सेक है इसका कोई जरूरत है नहीं है, पहले वन प्लस कॉस ए कर सकते हैं अपॉन वन अपॉन कॉस ए, आप देखेंगे इसका ऐसे हो जाएगा तो वन क्या मिलेगा कॉस ए प्लस वन अपॉन कॉस ए वैल्यू वन अपॉन कॉस ए। मैंने बताया था कि ए बी सी डी टर्म हो तो ए डिपेंड हो जाता है, तो ये ए बी सी डी टर्म है। अब हम देखोगे जब ए डी ऊपर जाएगा ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, तो आपको मुझे दिखा देता हूँ वाली वन प्लस कॉस ए, ये तो वैल्यू है कॉस ए, अब करिए इनटू डी ऊपर जाएगा मतलब कॉस ए ऊपर जाएगा और वन नीचे आएगा, मतलब इससे वैल्यू कट जाएगी, आपको क्या मिलेगा एट लास्ट आपको मिलेगा वन प्लस कॉस ए वाली टर्म मिल जाएगी। देखो आपको इसने जैसे कहा क्वेश्चन में कि आप ऐसे सॉल्व होगी, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकती, तो आप इसे इधर सॉल्व करिए। देखो मेरे से क्या है, हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, मैं इसी का यूज कर रहा हूँ। देखो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, मैंने इसको इस टर्म में बदल दिया, जैसे कि इधर ले गए ऐसे तो वैल्यू हमें ये मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसको हम ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है आइडेंटिटी, तो हमें क्या होता है हम इसे खोल सकते हैं और वन प्लस कॉस ए और वन माइनस कॉस ए, ठीक है अपॉन वन प्लस और सॉरी वन माइनस कॉस ए है, इससे ये कट जाएगा, बचा आप आपके आपके पास लास्ट में वन प्लस कॉस ए। देखिए दोनों आइडेंटिटी सेम हो गई, तो आप इस तरह से कर सकते हो। दूसरा मेथड ये था कि आप इसे यहीं से सॉल्व कर लो, देखिए वन प्लस कॉस ए आपको क्या करना है वन माइनस कॉस ए का एक इंटू कर दीजिए और वन माइनस कॉस ए का इंटू कर दीजिए, जब इसमें इंटू करोगे तो ये ए प्लस बी है ए माइनस बी है, तो आपको मिलेगा वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। देखिए ये वाली क्या मिल जाएगी आपको वन माइनस कॉस ए, ये बताया था ये सेक स्क्वायर ए बन जाएगा, मतलब कि साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, ये इसका यहीं से सेकेंड वाला पार्ट था, ठीक है। तो आप मैं चाहूँगा जैसे इसमें क्वेश्चन बोला है कि आप सिंपली एल एच एस और आर एच एस को करिए, तो बिल्कुल बेस्ट आइडिया आपको ये है कि आप दोनों से कर लीजिए। अगर आपको वैसे पेपर लिख के नहीं आएगा कि आपको एच एस करना है, तो आप फिर आपको ये मेथड लगा सकते, कोई सही मेथड लगाइए, ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए। यस क्वेश्चन नंबर सिक्स ओनली फिफ्थ, ये क्या है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जैसे बताया गया है कि वन प्लस कॉट थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा आप इसे यूज करना है, तो इसमें पहले से ऑलरेडी बता दिया है, तो आप इसे और इम्पोर्टेंट डाल दीजिए, और ये बहुत लेंदी है तो आप प्लीज़ इसे प्रैक्टिस जरूर करना। देखो इस क्वेश्चन करने के लिए कुछ चीज़ें आपको खुद से सोचनी पड़ेंगी, तो लीजिए मैं क्या करता हूँ
डिवाइड बाई साइन थीटा से आप पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, इससे साइन ए से, क्योंकि साइन ए का तो हमें क्या कुछ मिल जाएगा, मतलब कि हमें देखो कॉस को हम पहले आपको करके दिखाता हूँ कि कॉस ए डिवाइड करिए साइन ए से, माइनस साइन ए डिवाइड करिए साइन ए से, प्लस वन अपॉन साइन ए, यहाँ करिए कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, माइनस वन अपॉन साइन ए। अब जब देखो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू हमें देखिए आपको यहाँ देखिए ये कॉट कॉट ए देगा माइनस वन प्लस प्लस कॉसेक ए देगा, ये ऊपर जाएगा ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कॉट ए देगा प्लस वन माइनस कोसेक ए देगा। अब थोड़ा यहाँ चेंज करिए, देखिए यहाँ साइन की कमी आ रही है आपकी, तो आप इसे साइन को इंटरचेंज कर लीजिए इसमें साइन। तो यस देखिए इसमें क्या है, नीचे आप देखिए हम इसे कॉट ए, हम इसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो वैल्यू क्या बन जाएगी, वन माइनस कोसेक ए, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें माइनस क्यों लिया आपको बताऊंगा। देखिए कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, क्योंकि मुझे ये नीचे वाली टर्म है वो सेम आ जाती, अब सेम आने का मतलब क्या फायदा मुझे यहाँ मिल जाएगा, अब इसका मैं दो बार इंटू कर सकूंगा। इसका देखिए कॉट ए माइनस साइन लगाइए और वन माइनस कोसेक ए, ठीक है, अपॉन कॉट ए माइनस वन माइनस कोसेक ए, आपको समझ में आया क्यों किया, ये मैंने रिसनाइजेशन कर लिया। अब थोड़ा ध्यान से हो गए, वो ये माइनस से मतलब हमें क्या मिल जाएगा, ये कॉट ए माइनस वन माइनस कोसेक ए होल स्क्वायर मिल गया, ये कॉमन में तो हमें स्क्वायर स्क्वायर मिल गया, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी है यहाँ जो होगी ए वाली क्वांटिटी है, माइनस अला हुआ है ये बी वाली है, यहाँ प्लस अला हुआ है ये ए वाली क्वांटिटी है, ये माइनस है और ये ए बी वाली है, मतलब हम कह सकते हैं इसे कॉट स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं, आप इन्हें खोल दीजिए। अब खोलने के बाद आपको यहाँ मिलेगा, देखिए कॉट स्क्वायर ए इसको कुछ मिलेगा, ठीक है, यहाँ करिए अब इसे ए साइन ले लीजिए, इसको करोगे वन प्लस माइनस टू कोसेक ए, ठीक है, यस। मैं थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है वो ए है, ये माइनस है, ये टर्म बी है, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, तो मैंने यहाँ क्या किया, इसे आप यहाँ से थोड़ा हटाइए लीजिए, हम क्या करना है ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर क्या है, मतलब कि कोसेक ए का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस टू ए बी, मतलब कि कॉट ए इंटू वन माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब नीचे आपको क्या आएगा, नीचे भी ये कुछ नहीं आएगा, ये कॉट स्क्वायर ए है, ये आपको माइनस तो लग ही रहा है, अब इसे आप सॉल्यूशन इधर कर लीजिए, वन प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस टू कोसेक ए, ठीक है। तो आप अब इस इक्वेशन को बिल्कुल खोल दीजिए, मतलब कि कोई मतलब कि आप इस तरह से खोल दीजिए, ये क्या है कॉट स्क्वायर ए प्लस ये स्क्वायर है वन का वन स्क्वायर, ए माइनस भी है ना इसमें लगा दीजिए, प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस टू कोसेक ए, इसका इंटू इसमें करिए माइनस टू कॉट ए में माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टू कॉट ए कोसेक ए, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा नीचे ध्यान देखिए, ये कॉट स्क्वायर ए इसमें इंटू कर दीजिए माइनस वन माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस टू कोसेक ए। अब ध्यान देखिए मैंने क्या क्या कहा था, इसमें दे रखा है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्व टू कोसेक स्क्वायर थीटा, देखिए ये वाली यहाँ मिल गई, ठीक है। अब इसका आप यहाँ इंटू करिए तो आपको क्या मिलेगा, कोसेक ए कोसेक स्क्वायर ए मिलेगा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस दे रखा है कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ देखिए ये टू कोसेक, देखिए ये हो गया, ये ओनली टर्म है माइनस टू कोसेक ए है ना कि स्क्वायर है, ठीक है, ये माइनस टू कॉट ए माइनस टू कॉट ए, मैं मिटा लूँ जगह के लिए, यस।
तो हम यहाँ लिख लीजिए, ये हमारा टू कॉट ए है ना, तो थोड़ा बड़ा लिख लीजिए टू कॉट ए। अब दूसरा क्या रखा है, प्लस टू कॉट ए कोसेक ए, ठीक है। अब हम लिख लीजिए इसी वैल्यू को, वैल्यू देखिए ये यहाँ क्यों है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन प्लस टू कोसेक ए। अब ध्यान देखिए, देखिए ये कोसेक स्क्वायर मिल क्या मिल जाएगा, टू कोसेक स्क्वायर ए, ये देखिए एक यहाँ से ले लीजिए, प्लस टू कॉट ए डॉट कोसेक ए। देखिए यहाँ ये माइनस है, माइनस टू कॉमन आएगा, वैल्यू क्या बचेगी, तो ये देखिए इसमें माइनस टू कॉमन आएगा तो वैल्यू क्या बचेगी, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देखिए, इसमें ये इसको आप से एट ही लिख दीजिए फिलहाल, तो भी कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन प्लस टू कोसेक ए। अब आप थोड़ा ध्यान देखिए, देखिए इसमें कॉमन आएगा, इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें आएगा पर टू कोसेक ए कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ क्या है माइनस टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब नीचे आप इसे एडिट लिखिए, तो यस आप इसे वो ऐसे एडिट लिखेंगे। अब देखिए अब मैंने क्या किया, इसमें ब्रैकेट दो सेम हो गए, सेम ब्रैकेट आ गए ये वाले आपके, तो आप इसे ऊपर लिखिए और इसी इसके ऐसे लिखिए, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, टू कोसेक माइनस टू, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये आएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब नीचे क्या लिखा है, अब देखो नीचे वाली क्या है, मैंने आपको बताया था कि वन प्लस कॉट स्क्वायर कॉस टू कोसेक स्क्वायर ए दे रखा है, पर यहाँ जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रहा है कि कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो ये वैल्यू है, अगर हम इसको इधर लाएंगे माइनस में, इधर माइनस में लाएंगे तो ये वैल्यू क्या है, इधर माइनस में चली जाएगी, मतलब इधर आएगा वैल्यू माइनस वन हो जाएगी, तो यस तो इस वैल्यू की हमें माइनस वन मिल जाएगा। अब माइनस वन लिखेंगे इस वैल्यू की, माइनस वन यहाँ लिखा हुआ है और ये प्लस टू कोसेक ए लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए आप इसमें क्या कॉमन आएगा, ऊपर एट लिखिए टू कोसेक ए माइनस टू, इसमें आप कॉमन चाहे तो कॉमन, वैसे अभी कॉमन ले लेंगे इतनी जल्दी नहीं है, और इसे कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए ये माइनस टू प्लस टू